गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका असिस्टेंट टीचर दीपक कुमार हूँ। आज हम लोग क्लास सेवन्थ का चैप्टर वन और एनवायरमेंट पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। ये मेरा लेक्चर नंबर 5 होगा। आज इसमें हम आपके बुक में जो एक टॉपिक दिया है बायोम्स, बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोम्स होता क्या है, तो देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है बायोम्स के बारे में कुछ, लेकिन उसके पहले हम जानते कि भाई बायोम्स इसमें तो ये बताएगी कि बायोम्स होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा और हम जानकारी लेने की ताकि समझने में ये आसान हो। देखिए बायोम्स जो होता है वो बायोम्स का हिंदी बायोम से होता है। तो बायोम्स जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय यानी लैंड से रिलेटेड और दूसरा जलीय यानी पानी से रिलेटेड, एक्वेटिक उसको इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए कि स्थल पर रहने वाले जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो उनके लिए तो स्थल पर यानी लैंड पर परफेक्ट सब कुछ है। नहीं, सब कुछ परफेक्ट है तब ना वो जीते हैं। और जो स्थल पानी में रहते हैं यानी जल में रहते हैं, उनके लिए वाटर वाटर जो है परफेक्ट कंडीशन है, इसलिए वो वाटर में रहते हैं। तो हम साधारण से शब्दों में देख सकते हैं, कह सकते हैं कि जिस जीव जंतु जानवर मानव और जो भी हो धरती पर जीने वाले, इनके लिए क्या होता है कि ये एक परफेक्ट कंडीशन है, एक परफेक्ट कंडीशन होता है जहां पर वे जीते हैं। तो ये स्थलीय बायोम्स कहलाते हैं, स्थलीय बायोम्स ये कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है, बताया भी गया है कि ए बायोम इज अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द एनवायरनमेंट दैट दे एग्जिस्ट इन, दे कैन बी फाउंड ओवर ए रेंज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये भी कहता है कि देखिए कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स हुआ, कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स हुआ, चाहे ह्यूमन बींग्स हुआ, ये देखिए सब में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, कॉमन गुण होते हैं जो कि स्थल पर रहने के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थलीय बायोम्स कहते हैं। अब मान लेते हैं स्थलीय कोई भी जानवर को उठाकर अगर पानी में रख दीजिए तो क्या वो उसके लिए परफेक्ट कंडीशन है? परफेक्ट कंडीशन नहीं हो तो मर जाएगा, ठीक है ना। अब मछली को उठाकर लाकर धरती पर रख दीजिए तो क्या वो धरती पर रहेगी? वो मर जाएगी, क्योंकि उसके लिए परफेक्ट कंडीशन नहीं है। तो स्थलीय जो बायोम्स होते हैं वो जल में नहीं जी सकते हैं, और जलीय बायोम्स जो होते हैं वो स्थल पर नहीं जी सकते हैं। अब जैसे आपके दिमाग में उठ रहा होगा बायो कि भाई मेढक तो जलीय और स्थलीय क्या है, तो भाई धरती पर बहुत सारे चीज है जो अपवाद है, इसको अपेक्षित करते हैं हम। अब हम जलीय बायोम्स के बारे में बात करेंगे। तो जलीय बायोम्स में आप देखिए कि जल में भी बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर जीते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए वो जल में परफेक्ट कंडीशन है, इसलिए वो जलीय बायोम्स कहलाते हैं। जिस जगह पर रहते हैं जिसे जल में रहते हैं इसलिए जलीय बायोम्स कहते हैं, स्थल पर रहते हैं इसलिए स्थलीय बायोम्स कहलाते हैं। जो स्थल पर रहते हैं वो स्थलीय बायोम्स, जो जल पर रहते हैं वो जलीय बायोम्स, क्योंकि दोनों जगह जलीय और स्थलीय दोनों जगह दोनों चीजों के रहने के लिए परफेक्ट कंडीशन होता है, ये इसलिए स्थलीय और ये जलीय कहलाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में एक ध्यान देंगे, एलिफेंट है, टाइगर है, लायन है, फिश है, मैंगो ट्री। अब कोई कहेगा कि भाई इसमें ऑड क्या है, तो ऑड है ये फिश, ऑड है ये, ऑड इसलिए क्योंकि ये तो चारों लैंड पर सर्वाइव कर सकते हैं, ये भी लैंड पर सर्वाइव करेगा, ये भी लैंड पर सर्वाइव करेगा, ये भी लैंड पर सर्वाइव कर सकता है, और ये भी लैंड पर सर्वाइव करेगा, लेकिन फिश जो है लैंड पर सर्वाइव नहीं करेगी, फिश लैंड पर सर्वाइव करेगी नहीं, फिश लैंड पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए ये जलीय बायोम्स कहलाएगी। और ये चारों जो है, चूंकि इन चारों का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है कॉमन होता है, इसलिए ये स्थलीय बायोम्स कहलाते हैं और ये कहलाएगी जलीय बायोम्स कहलाएगी, ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में दिया है। देखिए आप ये जानते हैं कि ये प्रकृति जो है, प्रकृति जो है एनवायरमेंट है, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो हम एनवायरमेंट से ही करते हैं। काय कोई चीज की पूर्ति क्या अलग से होती है? हम आज ईंट पत्थरों का घर देखते हैं, बड़े बड़े महल देखते हैं, कहाँ से जाती है? कहीं से, दूसरे जगह से ईंट पत्थर आती है? नहीं, ये कहीं ना कहीं इसकी पूर्ति हम एनवायरमेंट से ही करते हैं।
आप देखिएगा पहले के समय में लोग काफी सुख समृद्ध रहता था, काफी शांत रहते थे, इसलिए काफी सुख समृद्ध शांत रहते थे क्योंकि पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी और लोगों में इतनी जो होती इतनी जो आज उसको क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं इच्छाएं, लोगों की इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं होती थी, ठीक है ना, जितनी बड़ी इच्छाएं आज है, ठीक है ना, लोगों की इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं होती थी। जो लोग रहते थे जैसे मान लेते हैं एक घर है, आसानी से वे खा रहे हैं पी रहे हैं कमा रहे हैं तो बड़ी शांति से रहते थे, समृद्ध कर लेंगे। लेकिन आज के लोग तो सब कुछ मिल जाने के बाद शांति सब चीज उनके डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है अच्छे से रह रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं लेकिन उनको एक और चाहिए, एक और महल चाहिए, एक और मकान चाहिए क्योंकि वो उनके लिए सफिशियंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये अशांति रहेगी तो इन्वायरमेंट को तो आप डिस्टर्ब कीजिएगा ही कीजिएगा। जैसे सबसे बड़ा बाधा क्या है जी, आज पॉपुलेशन का मर्ड, पॉपुलेशन को पॉपुलेशन हमारा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, रुक नहीं रहा है पॉपुलेशन हमारा। आप बताइए पॉपुलेशन जब नहीं रुकेगी तो आप इन्वायरमेंट को तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रॉय कीजिएगा, आपने पेड़ पौधों को तो डिस्ट्रॉय कीजिएगा। आज दिन आप किताबों में पढ़ते हैं कि भाई आज हमें शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, शुद्ध पानी नहीं मिल रही है, तो कहाँ से मिलेगी शुद्ध हवा और शुद्ध पानी ये बताइए, मिलेगी? आप ही ले लीजिए अपने घर में, मान लेते हैं आप पांच आदमी रहते हैं, ठीक है ना, तो पांच आदमी रहते हैं तो तीन कमरा है सपोज डेट, तो आसानी से चलिए हो जाता है। अब उसी में चार आदमी और आ गया तो पहले पांच और चार आदमी होगा संभव हो? नहीं, संभव नहीं है। या तो आप कहीं अपना एक घर बनाए, या तो रेंट लेकर रहें, या तो जो आपके पास जो लैंड है छोटा सा पीस ऑफ लैंड है खेत का उसको हो, उसमें जो पेड़ पौधे लगे हैं चाहे जो खेती करते हैं उसको खत्म कीजिए, वहां पर एक घर बनाइए। तो देखिए वहां पर के जो पेड़ पौधे आपने तो उसको काट दिया, क्यों काटा, तो जनसंख्या बढ़ी तो आपने उसको काट दिया, है ना, तो जनसंख्या बढ़ी तो आपने तो उसको काट घर बना दिया। लेकिन जो हवा, शुद्ध हवा आपको मिलती थी, शुद्ध ऑक्सीजन जो मिलती थी वो अब आपको तो नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यही बात है कि पहले के लोगों में इतनी आतुरता नहीं थी, इतना पॉपुलेशन नहीं था, इसीलिए पहले के लोग बहुत शांति से रहते थे, ढंग से रहते थे। लेकिन आज पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है तो समस्या आ जाहिर सी बात है सामने आएगी ही आएगी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जंगल के जंगल काटे जाएंगे, आप पढ़ रही होंगे इंग्लिश किताब में फॉरेस्ट आर फास्ट डिजेपियरिंग नाउ डेज, आज के दिनों में जंगल जो है तेजी से काटे जा रहे हैं और वहाँ बड़े बड़े महल, होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियाँ खड़े हो रही हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अर्निंग चाहिए ना, अर्निंग का तो स्रोत चाहिए, तो अर्निंग के स्रोत के लिए इंडस्ट्री खुल रही है, तो वो इंडस्ट्री खुलेगी तो आप उसमें काम कीजिएगा। तो वो इंडस्ट्री कहाँ खुली, बहुत बड़े प्लॉट्स को पेड़ पौधे, बड़े पेड़ पौधे वाले बहुत बड़े प्लॉट्स को आपने उसको पूरे पेड़ पौधे को काट दिया, एक जगह खुशी है कि हमको काम मिल गया, लेकिन दूसरी जगह सबसे बड़ी दुखी है कि अब आपको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी और इन फैक्ट्रियों का, हॉस्पिटल्स का, बहुत सारे और भी चीज़ों का जो ड्रेनेज वेस्ट मटेरियल्स होता है उसका हम क्या करते हैं बाई ड्रेनेज सिस्टम से, बाई ड्रेन सिस्टम के थ्रू हमने जाकर नदी नदियों में, बड़े बड़े तालाबों में, झीलों में उसके पाइप को लगा देते हैं कि चलो वेस्ट का जो जितना भी वेस्ट मटेरियल इसमें हो जाएगा, उस समय तो हमको शांति मिल जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरान होगी कि वो जितने शुद्ध पानी हुआ करते थे कभी किसी समय उसको अब वो पीने लायक नहीं रह गया, वो खत्म हो गया, खराब हो गया, ठीक है ना। तो हमने तो नदी नालों को भी बर्बाद कर दिया, पेड़ पौधों को तो बर्बाद कर दिया, तो हम ये कहाँ से खोजते हैं कि हमको मिल जाएगी आपको ये सारा चीज, हमको ये सारे चीज कहाँ से मिल जाएगी, सारे चीज को बर्बाद कर देने के बाद हमको कहाँ से मिल जाएगी अच्छी अच्छी चीज। हम सोचते हैं शुद्ध हवा, शुद्ध पानी एक मिल जाएगी, कहाँ से मिल जाएगी, तो ये सब नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो आप अपनी किताब में पढ़िएगा, मैंने आपको लगभग लगभग सब समझा दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर मैं पाया आपको बाय पीडीएफ आपको ये भेज कर दूंगा, ठीक है ना, आप साइट पर देख लीजिएगा। थैंक यू।